दोस्तों जहां एक तरफ बिग बैश लीग खत्म होने को है, समापन होने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश प्रीमियर लीग धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। भाई ऑलरेडी इस लीग के 4 मैचेस हो चुके हैं और आज हम कवर कर रहे हैं इस लीग का 6th मैच जो खेला जाएगा चट्टग्राम चैलेंजर्स और खुलना टाइगर्स के बीच। अब दोस्तों ये मैच शाम 5 बजे होने वाला है इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अगर बात करें करंट पोजीशन की तो भाई चट्टग्राम चैलेंजर्स अभी तक 2 मैचेस खेल चुकी है, 1 मैच जीत पाए हैं, पॉइंट्स इनके 2 और नेट रन रेट है +0.503 का। ऑन दी अदर हैंड बात करी जाए खुलना टाइगर्स की तो भाई 1 मैच खेले हैं और जीते थे अगेंस्ट मिनिस्टर ग्रुप ढाका से, पॉइंट्स इनके 2 और नेट रेट है +0.639 का। टॉप पोजीशन पर खुलना टाइगर्स हाल फिलहाल बैठी है, तो ऐसे में इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में क्या चट्टग्राम चैलेंजर्स जीतकर सीधे पहुंचेगी फर्स्ट पोजीशन पर या फिर खुलना टाइगर्स की धमाकेदार बल्लेबाजी करेगी चट्टग्राम चैलेंजर्स को एक बार फिर फेल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट पर। दोस्तों शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में ये मैच होने वाला है जहां 4 मैचेस इस सीजन के हो चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 1 बार जीती है, चट्टग्राम चैलेंजर्स ने वो मैच जीता था, और 3 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का बोलबाला रहा है। अब जहां तक बात है हाईएस्ट स्कोर की तो दोस्तों वो रहा है खुलना टाइगर्स का 186 रन्स और लोएस्ट स्कोर रहा है सिलहट सनराइजर्स का 96 रन्स। जहां तक बात है बॉलर्स के परफॉर्मेंस की तो टोटल 55 विकेट लास्ट 4 मैचेस में लिए जा चुके हैं। चट्टग्राम की बात करें तो उन्होंने 2 मैचेस में चटकाए हैं 14 विकेट और खुलना टाइगर्स के नाम रहे हैं 4 विकेट इन 1 मैच। तो दोस्तों ओवरऑल देखें तो बॉलिंग के लिहाज से यहां पर खुलना टाइगर्स थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है, लेकिन धमाकेदार बल्लेबाजी करती दिखी है इस ट्रैक पर। चलिए नजर डालते हैं दोनों टीम्स पर और देखते हैं कौन से हैं वो पोटेंशियल प्लेयर्स जो कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में धमाल मचा सकते हैं। बात करें चट्टग्राम चैलेंजर्स की तो दोस्तों विल जैक्स ने 2 मैचेस खेले हैं, 57 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 129 का। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है ये। ओवरऑल अगर हम देखें इनके टॉप ऑर्डर को तो दोस्तों यहां पर उम्मीद होगी कि केना लोएस रन स्कोर करें और मजबूत शुरुआत दें क्योंकि 2 मैचेस में मात्र 8 रन बना पाए हैं। अफीफ हुसैन इज द गाय जो कि टॉप ऑर्डर में मददगार साबित हो सकते हैं। लास्ट मैच में इन्होंने 12 रन बनाए थे और ओवरऑल 18 रन के आसपास ये 2 मैचेस में बना पाए हैं। लोअर ऑर्डर की जहां तक बात आती है तो दोस्तों यहां पर बेनी होवेल अच्छा परफॉर्म करते दिखे हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 2 मैचेस में 78 रन बनाए हैं और इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में होवेल की बल्लेबाजी देखने लायक हो सकती है। अब जहां तक बात है दोस्तों गेंदबाजी की तो दे हैव गुड सेट्स ऑफ बॉलर्स। मेहदी हसन कप्तान है और अपने फर्स्ट मैच में इन्होंने 4 विकेट चटकाए थे और ओवरऑल 5.87 की इकोनॉमी के साथ ये गेंदबाजी करते दिखे हैं। शोरिफुल इस्लाम ने लास्ट मैच में ठीक ठाक गेंदबाजी करी थी, 4 विकेट इनके खाते में भी आए थे, लेकिन इकोनॉमी के मामले में ये थोड़ा सा पीछे रहते हैं, थोड़े महंगे जरूर साबित हुए हैं। नजूम अहमद की जहां तक बात है दोस्तों 3 विकेट ये चटका चुके हैं, 3.5 की इकोनॉमी मेंटेन करके हाल फिलहाल चल रहे हैं इन 2 मैचेस। ऑपोजिशन पर जबरदस्त दबाव डाला है नजूम अहमद ने। तो ये कुछ ऐसे 4-5 पोटेंशियल प्लेयर्स हैं जिन पर आपकी नजरें डेफिनेटली दोस्तों रहनी चाहिए। अब ओवरऑल देखा जाए तो चट्टग्राम चैलेंजर्स हैव गुड सेट्स ऑफ बॉलर्स बट बल्लेबाजी इनकी थोड़ी सी वीक नजर आती है। तो वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर बात करें इनके ऑपोजिशंस की तो दोस्तों खुलना टाइगर्स के पास है धमाकेदार बैटिंग लाइनअप, दे हैव गुड सेट्स ऑफ बैटर्स जो कि अच्छा परफॉर्म करते दिखे हैं इन देयर वन एंड ओनली मैच इन दिस सीजन अगेंस्ट मिनिस्टर ग्रुप ढाका। अगर बात करें इनकी गेंदबाजी की तो दोस्तों 183 का टारगेट इन्हें मिला था, 2 ही गेंदबाज थे जो कि विकेट लेने में सक्सेसफुल रहे थे, कमरुल इस्लाम जिन्होंने 3 विकेट निकाले थे लेकिन बेहद महंगे साबित हुए थे। वहीं थिसारा परेरा ने अच्छी गेंदबाजी करी थी और 1 विकेट इनके खाते में भी रहा था, 6.8 की डिसेंट इकोनॉमी इन्होंने मेंटेन करी थी। और फिर आए थे बल्लेबाज जहां पे तांदद हसन तो सस्ते में निपट गए थे लेकिन आंद्रे फ्रेचर ने धमाकेदार 195 के स्ट्राइक रेट से 45 रन ठोके थे और इनका साथ दिया था रॉनी तालुकदार ने जिन्होंने 61 रन बनाए थे 145 के स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में इन 2 बल्लेबाजों को देखना दिलचस्प होगा। रही बात कप्तान और विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम की तो इनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड डिसेंट रहा है, एक्सपीरियंस काम आ सकता है लेकिन फर्स्ट मैच में ये बेहद सस्ते में आउट हुए थे। लोअर मिडिल ऑर्डर में वंस अगेन थिसारा परेरा इज वन ऑफ द गाय जिस पर भरोसा किया जा सकता है, फर्स्ट मैच में इन्होंने 18 गेमों में 36 रन ठोके थे 200 के स्ट्राइक रेट से, तो उम्मीद होगी कि भैया इनका बल्ला एक बार और चलेगा। तो दोस्तों ये हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि जहां तक बात है खुलना टाइगर्स के गेंदबाजों की तो मेहदी हसन इनकी टीम में मौजूद है जो कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में विकेट लेने के बड़े दावेदार नजर आते हैं, प्लस नवीन उल हक से भी एक डिसेंट स्पेल की उम्मीद करी जा सकती है। ओवरऑल खुलना टाइगर्स के पास है एक डिसेंट लाइनअप
जहां गेंदबाज थोड़ा और बेहतर परफॉर्म करेंगे तो वो ये मैच जीत सकते हैं। भाई आपके हिसाब से दोस्तों क्या चट्टोग्राम चैलेंजर्स चटाएगी धूल खुलना टाइगर्स को? जवाब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होते हैं एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्रिकेट लाइन जरूर।